हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हमसे पूछते रहते हैं कि अगर हमें अपने एंड्रॉइड का वर्जन जो है उसको अपडेट करना है तो कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आपका जो एंड्रॉइड का वर्जन है, अगर वो आइसक्रीम सैंडविच है, जेलीबीन है, आप उसको किटकैट, लॉलीपॉप या मार्शमेलो में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एंड्रॉइड को वर्जन को जो अपडेट करने वाली बात है उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि आप उसको कब कर सकते हैं, आप उसको कैसे कर सकते हैं और आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको अपना एंड्रॉइड का जो लॉलीपॉप है इसको मार्शमेलो में मैं अपडेट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर ये देखिए, ये इमेज है, इसमें जैसे ही माउस लाते हैं तो यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर यहां पर ये रेड कलर का बटन है, आप इसमें डायरेक्ट क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए यहां पर क्लिक करके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को कब अपडेट कर सकते हैं। आप अपने एंड्रॉइड फोन को दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं। पहला जो है, अगर आपको कंपनी अपडेट प्रोवाइड करा रही है तो आप अपने फोन को आसानी से बिना ज्यादा माथापच्ची किए हुए आप उसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आपको वो खुद अपडेट करना होगा, कंपनी अगर आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं करा रही है लेकिन आप उसको खुद भी अपडेट कर सकते हैं। खुद कैसे अपडेट करते हैं उसके लिए आपको रूट करना होगा, कस्टम रोम करना होगा, ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने आप से एंड्रॉइड के वर्जन को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है अपडेट तो आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यहां पर देखिए कि कंपनी आपको अपडेट क्यों नहीं प्रोवाइड कराती है, यह भी मैं आपको बताता हूं। कंपनी आपको अपडेट इसलिए प्रोवाइड नहीं कराती है, मान लीजिए आपका जो फोन है वो बजट फोन है, आपका सस्ता फोन है जिसमें क्या होता है, हार्डवेयर बहुत कम होता है, मतलब लो हार्डवेयर होता है। मान लीजिए उसमें 256 MB की रैम है या 512 MB की रैम है, जो क्या करता है, नए ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, जो बजट फोन होते हैं उसको फोकस कम करती है, उसके लिए एंड्रॉइड को क्या करती है, उसके लिए कस्टम स्किन नहीं बनाती है क्योंकि वो उसमें हार्डवेयर फेलियर आ जाता है। इसलिए कंपनी जो बजट फोन होते हैं उसमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं प्रोवाइड कराती है। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब यह है कि गूगल जब भी अपना कोई एंड्रॉइड का नया वर्जन निकालता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं। वो अपने फोन्स के लिए निकालता है, जो भी उसके गूगल के फोन है उसके लिए निकालता है। और जो कंपनी, जब वो कंपनी को दे देता है अपना एंड्रॉइड जो उसने नया लेटेस्ट निकाला है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने जितने भी उनके पास सारे फोन्स हैं उन फोन्स के लिए वो क्या करती हैं, कस्टम स्किन मतलब कस्टम थीम जो है वो बनाती हैं, हर फोन के लिए बनाती हैं, अलग अलग बनाती हैं, जिसमें कंपनी को बहुत सारा टाइम लग जाता है, उसका उनका पैसा लग जाता है। इसलिए क्या करती हैं, कंपनी सिर्फ उन्हीं फोन को टारगेट करती है, उन्हीं फोन के लिए अपडेट निकालती हैं जो फोन या तो बहुत ज्यादा बिके हुए हों या फिर जो फोन जो है ज्यादा महंगे हों, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी उन्हीं के लिए काम करती है, इसलिए कंपनी जो है कम फोकस करती हैं एंड्रॉइड का लेटेस्ट जो वर्जन है आपको देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना जो एंड्रॉइड का वर्जन है उसको अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपका हार्डवेयर जो है वो कम है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब मान लीजिए आपका, आपकी जो रैम है वो कम है, इंटरनल स्टोरेज जो है वो कम है और आपका प्रोसेसर जो है वो वीक है, इस केस में आपको अपना एंड्रॉइड का जो वर्जन है उसको फोर्सफुली अपडेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाएगी। मान लीजिए जो नया अपडेट आ रखा उसको चाहिए 1 GB रैम, 1 GB रैम उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, ठीक है, उस एनिमेशंस को रैम में लोड होने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है और उतना स्पेस आपके उसमें है नहीं, तो आपका फोन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और आपका फोन काफी हैंग होने लग जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमने अपने एंड्रॉइड का फोन जो है उसको अपडेट तो कर लिया है, अब उसको डाउनग्रेड कैसे करें, ठीक है। तो वो इसीलिए करना पड़ता है उनको क्योंकि उनके फोन जो है वो हैंग होने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बताता हूं, अगर आपकी हार्डवेयर जो लो है, हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एंड्रॉइड ने अपना जो वर्जन जो लॉलीपॉप जो लॉन्च किया था उसने उसमें एक फीचर दिया था कि आप इसमें मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, तो कुछ कंपनीज का जो जिसका हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा था उन्होंने तो इसको इसमें मल्टीपल यूजर का ऑप्शन दे दिया, लेकिन कुछ कंपनीज के उसमें ये हार्डवेयर सपोर्ट ना होने की वजह से उन्होंने क्या करा है, जो मल्टीपल यूजर है उसको बनाने से रोक दिया है। जैसे आपका, अगर मान लीजिए आपका जो एंड्रॉइड का वर्जन है अगर वो लॉलीपॉप है तो आप उसमें चेक करके देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरा जो एंड्रॉइड का वर्जन है लॉलीपॉप है और यहाँ पर अगर मैं इसमें नोटिफिकेशन बार में आता हूँ,
यहाँ पर देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पर ये इमेज है, इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यूजर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा फोन है जिनके पास लॉलीपॉप तो है लेकिन वो उनके पास मल्टीपल यूजर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास क्या है, हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी ना होने की वजह से कंपनी ने ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो फीचर है, उन्होंने ये हटा दिया है। तो यही होती है, हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अपना एंड्रॉइड का वर्जन अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और आप कैसे देखें कि आपके पास कंपनी ने आपका एंड्रॉइड का वर्जन है वो उसका अपडेट दिया है या नहीं दिया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करना है, अपने फोन की सेटिंग में चले जाइए। फोन की सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देखिए आपके पास, आपने क्या करना है, नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है अबाउट फोन, ठीक है, यहाँ पर देखिए अबाउट फोन, आपने क्या करना है अबाउट फोन में क्लिक करना है। अबाउट फोन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है, हो सकता है आपके फोन में पहला ना हो, दूसरा तीसरा हो, तो आपने क्या करना है सिस्टम अपडेट्स में आपने क्या करना है क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सिस्टम अपडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि कोई अपडेट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। कभी कभी ये अपडेट क्या होता है, माइनर अपडेट होता है, जिसमें क्या होता है आपके अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए कंपनी नए नए अपडेट जो है वो प्रोवाइड कराती है। वर्जन अपडेट नहीं होता है लेकिन माइनर अपडेट होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कभी कोई बैटरी से संबंधित इशू आ रहा होता है, तो अगर कोई सिक्योरिटी से संबंधित हो रहा होता है तो उसके लिए छोटे छोटे अपडेट करती हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मोटोरोला जो कंपनी है, इन्होंने फर्स्ट वैलेंटाइन डे के टाइम पे इन्होंने नया मार्शमेलो अपडेट मोटो जी सेकंड जनरेशन में दे दिया था। तो ये वीडियो मैं तब बनाना चाह रहा था लेकिन तब से मुझे टाइम नहीं हो पाया, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्शमेलो अपडेट मुझे अभी मिल रहा है, अभी जो मेरा एंड्रॉइड का वर्जन है वो है लॉलीपॉप, और अब ये मेरे को क्या दे रहा है, मार्शमेलो अपडेट दे रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, अगर आपके उसमें ये अपडेट आ रहा है तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए जैसे जैसे आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपडेट करने से पहले मैं आपको तीन चीजें रिकमेंड करता हूँ। तीन चीजों में क्या क्या है, आपके फोन में जो स्पेस होना चाहिए खाली स्पेस वो 2 GB तक का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके फोन की जो बैटरी है वो 60% तक का चार्ज होनी चाहिए, और आप अपने फोन का जितना भी बैकअप है, जितना भी मीडिया का बैकअप है, SMS का, फोटो का, वीडियो का, इन केस वैसे होता तो कुछ नहीं है लेकिन इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा, आप उसका बैकअप अपने PC में ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं इसको तो आपने क्या करना है, यस आई एम इन में क्लिक करना है। तो जैसे यस आई एम इन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, एक वाईफाई होता है और वाईफाई एंड मोबाइल से ये कर सकता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं वाईफाई ओनली में क्लिक करते हैं। वाईफाई से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो अपडेट आ रहा है वो ये देखिए 464 MB का है, तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर से वाईफाई इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये भी रिकमेंडेड है कि आप इसको मोबाइल नेटवर्क से मत कीजिए, आपके पास जब भी आपके पास वाईफाई का ऑप्शन होता है, आपके पास वाईफाई अवेलेबल होता है तभी आप इसको अपडेट कीजिए। तो यहाँ पर हमने वाईफाई ऑनली कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं डन में क्लिक करते हैं। तो डन में जैसे मैंने क्लिक करा उसके बाद तो यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तब तक का ये वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको लेके चलूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट है वो वेरीफाई हो रहा है, अब अपडेट कंप्लीट हो चुका है, अब ये वेरीफाई हो रहा है अपडेट, ठीक है। जैसे ये अपडेट वेरीफाई होता है फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन आ गया है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ में अब हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं, तो जैसे इंस्टॉल नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फोन जो है ये रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए 7 सेकंड 6 सेकंड दिखा रहा है और ये फोन जो है ये रिस्टार्ट हो जाएगा अब इसके बाद, ठीक है। ये देखिए फोन जो है अब क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, पावर ऑफ हो रहा है, शट डाउन। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने डाउनलोड करा था वो क्या हो रहा है अब इसमें इंस्टॉल हो रहा है। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मोबाइल फोन है वो लॉलीपॉप से मार्शमेलो की ओर को जा रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या हो रहा है इसमें अब इंस्टॉल हो रहा है, इस फोन में इंस्टॉल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको होने देते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो है ये फोन शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए फोन जो है ये ओपन हो चुका है मार्शमेलो के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं, ये देखिए क्या बढ़िया सा इसका एनिमेशन है। तो यहां पर देखिए ये मैसेज आ रहा है, एंड्रॉइड इज अपडेटिंग, ऑप्टिमाइज कर रहा है ये हमारी 146 एप्लीकेशन जो इसमें पड़ी है, इन सबको आप क्या कर रहा है मार्शमेलो के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहा है, मतलब जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डाला है
उसके हिसाब से इन सारी एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको थोड़ा सा लगने देते हैं जितना ये ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसने 146 की 146 एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, ऑप्टिमाइज कर दिया है। काफ़ी इसने टाइम लिया और ये रिकमेंडेड है कि अगर आपके उसमें जो पहले से एप्लीकेशंस हैं, अगर आपकी वो काम की हैं तभी आप उनको रखिए अपडेट करने से पहले। अगर वो आपकी काम की नहीं है, आप उनको कभी कभी यूज़ करते हैं, तो फिर आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाकी की सारी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आपका टाइम जो है वो ले लेगा। तो आप तो जो आपके काम की एप्लीकेशन है आप उसको ही रखिए, ठीक है, अपडेट करने से पहले। तो यहां पर देखिए अब आ रहा है स्टार्टिंग एप्लीकेशंस, प्रिपेयरिंग कॉन्टेक्ट स्टोरेज, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर एंड्रॉइड जो है ये फिनिश कर रहा है बूट, अभी कंप्लीट बूट जो है वो फिनिश हो रहा है। और अब हमारा जो मोबाइल फोन है ये देखिए यहां पर आ चुका है, ओपन हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अब हमने जो लॉक लगाया था उस लॉक को हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमारा फोन, अब हम इसका मैं आपको वर्जन भी चेक करा देता हूं, जो हमारा वर्जन अपडेट हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है। यहां पर से हम सेटिंग में क्लिक करते हैं, सेटिंग से हम गए यहां पर अबाउट में, और जैसे ही अबाउट में गए तो यहां पर देखिए हमारा एंड्रॉयड का जो वर्जन है यहां पर अब 6 हो चुका है। इसमें मैं क्लिक करता हूं और इसको हम टैप करते हैं तो यहाँ पर मार्शमेलो जो है वो यहाँ पर आपको, आप देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड एम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर लॉलीपॉप था, अब यहाँ पर एंड्रॉयड एम आ चुका है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है ये कम्प्लीटली क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। और ये जो हमें अपडेट प्रोवाइड किया गया है ये हमें कंपनी के द्वारा अपडेट जो है प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मार्शमेलो चल रहा है बढ़िया करके, ठीक है। इसका जो गेम था ये देखिए, ये होता तो बहुत टफ है, ठीक है। इसको मैं अब क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ। तो मार्शमेलो हमारे इसमें क्या हो गया, कम्प्लीटली आ चुका है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो गया और हमारी बाकी जितनी एप्लीकेशन थी वो सभी क्या हो गई हैं, ऑप्टिमाइज हो गई हैं मार्शमेलो के हिसाब से। देखिए ऐसे करके आप आसानी से अपने एंड्रॉइड फोन को अपडेट कर सकते हैं, अगर वो अपडेट जो है कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।